नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय लोग नेपाल और भूटान बिना किसी वीज़ा के आ सकते हैं, जा सकते हैं और वहां पर घूम सकते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि नेपाल और भूटान के अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई भी भारतीय बिना वीज़ा के जा सकता है और वहाँ पर घूम सकता है। अपनी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के उन देशों के बारे में जहां पर कोई भी भारतीय बिना वीजा के जा सकता है और उस देश में घूम सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है और इसे द्वीपों के देश के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के खूबसूरत समुद्री तट पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया भारतीयों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि इस देश में बहुत से प्राचीन हिंदू मंदिर है जिस कारण से बहुत से भारतीय हर साल इंडोनेशिया घूमने जाते हैं। भारतीय लोग इंडोनेशिया में बिना किसी वीज़ा के 30 दिनों तक घूम सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। नंबर दो, मकाओ, जो कि दक्षिणी चीन के पास बसा हुआ एक छोटा सा देश है और ये देश इस पूरी दुनिया में अपनी चकाचौंध और अपने लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ का चकाचौंध यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देता है और ये जगह भारतीय लोगों के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूमना अपने आप में एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। कोई भी भारतीय इस देश में जा कर के घूम सकता है और यहाँ पर रह सकता है 30 दिनों तक। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई वीज़ा की जरूरत नहीं होती। नंबर तीन, मालदीव, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है और ये देश इस पूरी दुनिया में अपने वाइट सैंड और अंडर वाटर स्पोर्ट के लिए फेमस है। इस देश में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज घूमने और छुट्टियाँ बिताने जाती है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी यहाँ पर बहुत आसानी से जा सकते हैं क्योंकि इस देश में किसी भी भारतीय के जाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। नंबर चार, मॉरिशस। आप लोग यहाँ पर 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 महीने तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं और घूम सकते हैं। मॉरिशस अपने समुद्री एडवेंचर्स के लिए काफ़ी फेमस है। मॉरिशस को आप लोग दूसरे भारत के तौर पर भी देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर घूमेंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग भारत से बाहर है। मॉरिशस के लोग अपने स्वभाव से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं।